नवी मुंबई वाशी सेक्टर 19 के कॉमन वेयरहाउस प्रोजेक्ट तकरीबन 17 सालों से प्रलंबित है, जिससे कृषि संलग्न परिवारों के जीवन में बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कृषि व्यापारियों का विकास नहीं हो पा रहा है, ऐसे में वेयरहाउस की जमीन हड़पने का बड़ा षड्यंत्र रचे जाने का आरोप नवी मुंबई मर्चेंट चैम्बर्स के अध्यक्ष कीर्ति राणा ने लगाया। इस पर आंदोलन कर पूरे मामले की जानकारी दी गई। देखिए, आप नवी मुंबई के सबको पता है, आरोप का नाम जो है सबको पता है। आज वही परिवार जो है उसको ये पर्दे के पीछे है, इसमें साइन नहीं है इनकी किसी की, मगर इन्होंने सिफारिश दी है शासन के टाइम। आप व्यापारियों का और व्यापारी परिवार का भला चाहते हैं कि ये बिल्डरों का भला चाहते हैं? और बुकिंग की तो किसकी की? अगर 9 करोड़ आपने चेक से लिए हैं तो ऊपर के दाम कितने लिए हैं? इस सारी बात की इंतला करने के लिए हमने महाराष्ट्र शासन को, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग या तो CBI को तुरंत तपास पे लगाए, इसके जरिए इस आंदोलन को किया है। हम और हमारे सारे परिवार की जान जोखिम में डालकर भी हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। ये जो इन्होंने गलत काम किया है उनकी सजा महाराष्ट्र शासन उनको तुरंत देवे और ये कंपनी बर्खास्त करें। हमारे लोगों का प्लॉट जो है, हम 5,000 परिवार को वहाँ रोजी रोटी दे सकते हैं, तो इस प्लॉट को जो चैम्बर का था 860 लोगों का है, उसी को वापस मिल जाए ताकि वहाँ जल्द से जल्द वेयरहाउस गोडाउन बने और रोजगार कामगार को मिले, मथाड़ी कामगार को मिले, सबको मिले। इस मामले की CID जांच की मांग जोर पकड़ रही है। इस आंदोलन में 25 से 30 व्यापारियों ने शामिल होकर पूरे घोटाले को बाहर निकालने की मांग की है। इन्होंने यह आंदोलन कर मुंडन कराया, तो वही दूसरी ओर वेयरहाउस के संबंधित किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने का दावा मोहन गुरनानी ने किया। इन्होंने कीर्ति राणा द्वारा लगाए सभी आरोपों का खंडन किया। वीडियो जर्नलिस्ट मूसा के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट।